अभी मैं हूँ थाईलैंड में, और जैसा कि अगर आप मेरी तरह फोटी हैं, जैसा कि मेरे वज़न से भी आपको दिखता होगा, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ आज थाई फूड। पर थाई का नाम आपने सुना होगा, उसके अलावा स्टर फ्राइड और काफ़ी सारी चीज़ें। तो क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए जाते हैं रेस्टोरेंट पर और देखते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरे आइलैंड के लिए, इसलिए मैं एयरलाइन में हूँ। तो सारा दिन घूमने के बाद, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ जो आपके सामने वो वहाँ पे वो जो इनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो किया था, तो अभी बहुत ही भूख लगी हुई थी, तो मैंने बहुत खाना मंगा लिया। मेरे पास है पैड थाई जो कि बनी हुई है प्राउन्स में। अब ये प्राउन्स ऐसे हैं जैसे हम लोगों के पास कराची सी के पास होते हैं, लेकिन उससे ये साइज़ देख रहा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। उसके अलावा पैड थाई कैसे होती है, यानी कि ये नूडल्स इसमें होते हैं फ्रेश नूडल्स, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है, और इसलिए मैंने न्यू स्टाइल। और इसी तरीके से ये पैड थाई और ये वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी मैंने ऑर्डर की क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं वो वेजिटेरियन होंगे। उसके अलावा मेरे पास है चिकन फ्राइड स्टर विद बासिल। बासिल एक ना बूटी है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ की अजवाइन होती है, लेकिन हल्की सी, मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने कोकोनट साथ में मंगाया था, मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। फूड का जो था इसका तकरीबन था 200 baht, और इसका जो था इसका था 165 baht, और जो ड्रिंक थी वो थी 95 baht। ये तो आई थिंक वर्थ थी, और इसी तरीके से ये वेजिटेरियन फूड भी वर्थ ही है। और अभी बहुत थका हुआ हूँ, तकरीबन बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि भूख बहुत लग रही है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ चिकन से। लिटल सॉल्टी है बट टेस्टी है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि हल्के से स्पाइस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ट्राई करके बता दूँ ये कैसा है, क्योंकि उसके बाद मैं खाने लगा हूँ, मैं उसके बाद इस चीज़ पे नहीं देखूँगा। टोफू ये इतना स्पाइसी नहीं है, हल्का सा स्वीट स्वीट सा है, इतना स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्टी है। लेकिन अगर आपने इसको स्पाइसी बनाना है तो इन्होंने साथ में विनीगर, सोया सॉस, सिंपल सॉस, चिली पेस्ट और उसके अलावा विनीगर वगैरह ये चीज़ें मतलब दिए हैं। और ये क्योंकि शुगर भी डालते हैं तो शुगर भी दी है, और साथ में लाइम भी है, तो जिस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको का पूरा ट्रिप अच्छा लगा होगा। कल शायद हम लोग स्नॉर्कलिंग के लिए जाएं, लेकिन कल हो क्या रहा है, अभी रेन हो रही है तो समझ नहीं आ रही कल का प्लान क्या होगा, कैंसिल होगा या होगा। थैंक यू, शो द डिशेज़।